सिगरेट पी रहे हो? पॉकेट कहाँ है? सर ये आखिरी है। इधर दो इसे, इसे हम पीऊंगा। लीजिए सर, मेरे पास पूरा पैकेज है। सर बैठिए ना। आपकी तारीफ? हमारी तारीफ जितनी कम करो उतनी ज्यादा है। हमारा नाम है बलवंत सिन्हा, हम पटना का रहने वाला हूँ। पिछले 15 साल से मेजर खान के अंडर काम कर रहा हूँ और अभी तक पक्का ब्रह्मचारी हूँ। मतलब आपने अभी तक शादी नहीं की सर? अरे अभी तो हम सिर्फ 40 का हूँ, जब 50 का हो जाऊंगा ना तब शादी करूंगा सर। हाँ तब तो आप अपना एड्रेस मुझे जरूर दे देना, आपके पड़ोस का मकान मैं खरीद लूंगा। ये सारा इलाका हमारा है, यहाँ पर तुम लोग कहीं भी जा सकते हो, मगर पुल के उस पार एक गांव है धनकपुर, वहां कभी मत जाना, क्योंकि उस गांव में किसी भी फौजी या शहरी को जाने के लिए इजाजत नहीं है, समझे? ये क्या टेंशन है यार, आंखों को ठंडक तो वहीं मिलेगी, यहाँ तो अंधे हो जाएंगे। यस सर, क्या वो गांव हमारे देश की सीमा के उस पार है? नहीं, है तो हमारे देश के अंदर, मगर वहां की रीत रिवाज और परंपराओं ने उसे हमारे देश से काटकर अलग कर दिया है। तुम लोगों को पहले 3 महीनों की ट्रेनिंग यहां दी जाएगी, उसके बाद हम बर्फों में जाएंगे। लड़की क्या बात है। आओ मेरे साथ। क्या करेंगे मेजर साहब मुन्ना के साथ? पता नहीं, पर जो भी करेंगे अच्छा नहीं करेंगे। नहीं सर, इसे मत काटिए सर। ओए मुन्ना क्या हुआ? ठीक तो है ना? कुछ बताना। क्या किया मेजर साहब ने? सब कुछ काट दिया। सब कुछ? हाँ ये देखो। अरे संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं पैदा हुई जिसका इलाज मरघट लाल वैद्य के पास ना हो, समझा बिहारी? ये पत्तियां ले, निहार मुंह से चबाकर इसका रस पी जाना, भगवान ने चाहा तो खत्म हो जाएगा। कौन, मैं? हाँ नहीं, तेरा ये दर्द इन पत्तियों से? अरे मूरख, ये पत्तियां नहीं संजीवनी है, संजीवनी। तू मुझे कोई मामूली बात समझता है क्या? मैं रोगी का मुंह देखे बिना, उससे कुछ पूछे बिना सिर्फ नाड़ी पकड़ के बता सकता हूँ उसे क्या रोग है। अब देख ये बच्चा है ना, हैं? इससे पूछे बिना मैं अभी बता सकता हूँ इसे क्या बीमारी। बेटा अपनी नाड़ी पकड़वाना। नाड़ी ये लो। अजीब नाड़ी, सूखी सूखी सी, पतली पतली सी, मुर्दे से भी मुर्दा। इसकी तो नब्ज़ ही नहीं चल रही। अरे ये क्या पकड़वा दिया तूने? तुमने ही तो कहा था मुझे नाड़ी पकड़वाने। अरे ये नाड़ी नहीं, ये नाड़ी, नब्ज नब्ज। मर गया। कप्तान जी बोले। शराब, जंगली, इडियट, गवार कहीं की। वाह, आवाज आते ही कितने मीठे मीठे शब्द बोल रहे हो तुम। अरे तुम गूंगे थे तभी ठीक थे। हाँ अरे मैं गूंगा नहीं हूँ, बोल सकता हूँ बचपन से। बस बस, बहुत डांट लिया हमें। छुटको छुटको, देखो छुटको, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इतनी जोर सी आवाज, लगता है सनम तेरी हड्डियां टूट गई। मार डाला रे, मार डाला। छुटको जल्दी से मामा जी को कवर कर दे, सनम का काम तमाम हो गया रे। आखिरी वक्त आ गया रे मारा। गंगा जल भी ले आऊं? अरे जल्दी कर, हे राम। देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मामूली खराश है। मामूली खराश?
इतनी जोर से हड्डियां टूटने की आवाज आई कि मेरे कान के पर्दे भी फट गए और तुम कहते हो मामूली खराश है। वो आवाज मटकी टूटने की थी। मटकी टूटने की? हमारी मटकी तोड़ डाली। ये मटकी हमारी शायद इकट्ठा करने की थी। अब ना हम शायद इकट्ठा कर पाएंगे, ना उसे बाजार में बेच पाएंगे, ना हमें पैसा मिलेगा, ना हमारा पेट भरेगा। हम तो भूखे मर जाएंगे। देखो देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ मैं भरने को तैयार हूँ। नुकसान? देखो 50 रुपए हमारे शहद के हुए। शहद? और 10 रुपए इस मटकी के जो तुमने तोड़ डाली। 50 और 10 कितने होते हैं? 60 रुपए होते हैं। ये लो। ठीक है, हिसाब बराबर। अब जाओ जी। सनम, मैं तो तुझे बहुत भोली समझता था, मगर वाह क्या बेवकूफ बनाया तूने कप्तान जी को। क्या मतलब? उस मटकी में तो शहद था ही नहीं। शहद तो हम जमा करने जा रहे थे और तूने खाली मटकी के 60 रुपए ले लिए। सुनिए, खान बाबा अंदर हैं क्या? खान बाबा? अच्छा अच्छा, हवलदार खान बहादुर, वो तो अभी अभी इस तरफ गए हैं। आज नहीं छटंगा खान बहादुर को। ओए समझता क्या है, 7 साल से मेरे मकान में रहता है, आज तक कराया नहीं दिया। क्या बात है लाला, बड़े हुए दूध की तरह उबल क्यों रहा है? बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? ओए बीवी ने मुझे नहीं, मैं तुझे अपने मकान से निकालने वाला हूँ। क्यों लाला? ओ इसलिए कि तूने 7 साल से मेरे मकान का कराया नहीं दिया। मकान? कौन सा मकान? ये जमीन, ये 4 दीवारी, इस छत को तू मकान कहता है? बिल्कुल हाँ। एक मिनट। अरे तूने मेरा दूध क्यों फेंक दिया? मक्खी थी इसमें, मर जाता तू। तो मैं तेरी छत पे रहा? नहीं। इस 4 दीवारी से चिपक के रहा? बिल्कुल नहीं। जमीन पे रहा ना? हाँ। और जमीन तो भगवान की है। अब तू ये साबित कर दे कि ये जमीन तूने भगवान से खरीदी है तो मैं तुझे किराया दे दूंगा। मैं जमीन भगवान से कैसे खरीद सकता हूँ? ये जमीन तो मेरे दादा ने खरीदी थी। तो एक काम कर, जा अपने दादा को बुला के ला। दादा को? अरे वो तो मर गया है। तो ठीक है, तेरे दादा ने जिससे खरीदी थी उसको बुला के ला। अरे वो भी मर गया है। तो भाई उसने जिससे खरीदी थी उसको बुला के ला। ओए खान, वो सारे के सारे मर गए। सारे मर गए? सारे मर गए। तो तू काहे को जिंदा, तू भी मर जा। ए बात बिल्कुल ठीक है। सुनो जी। आया जी। ओए खान, कितने जा रहा है तू? अरे बीवी मेरी है, मुझे बुला रही है। तो तू जाना यार, मैं समझा तू नहीं जा रहा। माल का खान है, बीवी मुझे बुला रही है, जा रहा है तू? है? आ, लड़की की आवाज। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। लड़की कहाँ है? लड़की? लड़की कहाँ है सर? यही है, हमने अभी अभी अपने कानों से उसका आवाज सुना हूँ। लड़की यह कहाँ से आ सकती है सर? यही तो हम भी जानना चाहता हूँ, मगर लड़की यहाँ जरूर आई है, वरना 15 साल बाद इस जगह पर हमारे कानों से एक लड़की की आवाज कैसे कहा? अरे जवान, हम खुद ही इतना परेशान हो और तुम हमें लड़की। लड़की? कौन लड़की? वही लड़की जिसे हम खुद देखा हूं। हम उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। कप्तान जी ये क्या कर रहे हैं मेरे गाल को? चुप रहो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लड़की है जरूर। अरे जवान ये क्या कर रहे हो? दाढ़ी बनाने का ये कौन सा तरीका है? रेजर उल्टा पकड़े हो? ला हमें दो, हम तुम्हें दाढ़ी बनाना सिखाता हूँ। जवान तुम्हारी चमड़ी कितनी मुलायम है। सर क्या है, आप कितनी अच्छी दाढ़ी बनाते हैं, पहले हजाम थे क्या? शट अप, काम के समय हमें डिस्टर्ब नहीं करना। जवान ये इतनी जल्दी मुझे कहां से लगाई? लगाई नहीं सर, उगाई। समझा, वही लड़की हो और मुझे लगाकर हमें बेवकूफ बना रही हो। नहीं, 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 नहीं,
बलवंत, ये क्या हो रहा है? देखिए ना सर, ये मेरी मूछें खींच रहे हैं। नहीं सर, ये एक लड़की है, मूछ लगाकर हमारे कैंप में घुस आई है। What rubbish! ये तुम्हें लड़की नजर आ रहा है? ये दिनेश है, दिनेश। बच गया, बच गया। ए, ए खान बहादुर, बच्चो। ओ जी खान, ओए सवेरे सवेरे सर पे पट्टी बांध कर कितने जा रहा है? सर में बहुत दर्द है यार, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। अरे इस दौर में दवाई शुवाई नहीं लेनी चाहिए, साइड इफेक्ट हो जाता है। कल रात मेरे भी सर में बहुत दर्द हुआ, और मैं दवाई शुवाई नहीं लिया। मेरी बीवी के पास गया, उसको बोला सर में तेल लगा दे। उसने मेरे सर में तेल लगाया और अपनी गोद में लिटा कर प्यार से माड़िश वाड़िश की, मैं सो गया। ओ जी सरकार, एक घंटे के बाद जब मैं उठा, मेरा सर दर्द गायब। क्या बात करता है? अरे बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अरे अरे ओ खान, इतने कितने जा रहा है? अंदर तेरे घर में, तेरी बीवी घर में है ना? अरे बीवी है तो तुझे इससे क्या? मैं सोच रहा था थोड़ा सा वो करवा लेता तो मेरे भी दर्द। ओए खान, पहले मेरा घर ले लिया, अब क्या मेरी बीवी भी लेगा? अच्छा फिर दवाई ले लेता हूँ। वो अजीब खान से पाला पड़ा है, एक तो दवाई बताओ, ऊपर से बीवी को लेना मारता है, आइंदा मेरी दहलीज के पास भी नहीं आना। गया लगता है, पत्थर मार के अपना सर फोड़ लूं। अपना सर फोड़ क्या फायदा, दर्द थोड़ी जाएगा। सर में मेरे दर्द है, चिल्ला कोई और रहा है, लगता है लाला गिर गया। देख खान, आजकल तुझे थोड़ी सी टेंशन है, सनी की दिशा ठीक नहीं है, लेकिन एक साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तेरा राजयोग आएगा, उन्नति उन्नति होगी, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, धन भी बहुत आएगा। अच्छा, अरे वाह, चलो एक साल तक इंतजार करते हैं। अरे, चलता अरे भाई मेरे पैसे। अरे आप तो पैसे भी लेते हैं, कितने पैसे? हाथ देखने के 5.25 रुपए। 5.25 रुपए? हाँ। बस इस महंगाई के दौर में, अरे आजकल तो 5.25 रुपए फकीर नहीं लेता है। नहीं नहीं साहब, मैं तो आपको 1 से 1 रुपया दूंगा। दे दो दे दो। अभी थोड़ी, जब मेरा अच्छा टाइम आएगा तब। अरे लेकिन, अरे कम से कम आपने क्या कहा था कि मेरा अच्छा टाइम आएगा, और जैसे ही मेरा अच्छा टाइम आएगा सबसे पहले मैं आपके हाथ में लाके 1 से 1 रुपया रख दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, 5.25 ही दे दो भाई। अरे 5.25 रुपए देकर आपका अपमान थोड़ी का। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी बात सुनो। ए चुटकू, देख रे बाबा खान ने क्या खिला दिया, 10 रोज से कम हो गया है। ये लो इसमें दवाई पी लो, घोड़े का जमाल घोटा है, पेट साफ हो जाएगा। अबे जा, घोड़े की दवा मैं पीऊं, कोई और दवा ना। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, कम से कम एक चाय तो पिला दे। खामोश 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 खामोश, एक चाय कप के लिए मेरी जान खा रहा है तू? छुटकू ये क्या लेके खड़ा है तू? गामा पहलवान कुश्ती में जाने वाले। गामा पहलवान कौन है? हाँ, इनकी ताकत की दवा है, इसे खा के आदमी के शरीर में ताकत आती है। अच्छा? ये मैं पी लूं तो दिला देना। छुटकू पिला दे इसको। पिला दूं? पिला देना। ये लो। धन्यवाद धन्यवाद। ये खान, ये ले, मैं चलता हूँ। ये चुटकू, ये क्या पिला दी तूने इसको? घोड़े की जुलाब की दवा है, अब 2 साल तक हमारे खेतों में खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दिन भर खेतों में बैठा रहेगा, और कल मरगट लाल वेद के घर। बदमाश कहीं का।